नमस्कार, मैं सोहेल सिद्दीकी खबर एसएस के न्यूज रूम से। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। जैसे जैसे विधानसभा के चुनावों का दौर नज़दीक आता जा रहा है मध्य प्रदेश में, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियों का दौर तेज होता जा रहा है। इसी के चलते आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इंपीरियल होटल में एक प्रेस वार्ता में शिवसेना ने भी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की प्रथम सूची में 21 उम्मीदवारों की शिवसेना के प्रदेश प्रमुख थाडेश्वर महावर और प्रदेश संगठन गुलाब चंद दुबे जी ने इन नामों की घोषणा की। देखिए कैमरामैन अमित के साथ साउथ सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। आपको जवाब देंगे और मध्य प्रदेश जरूर आएंगे। चलो, हमारा भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में कोई लेना देना नहीं, भविष्य में हो सकता है समर्थन। गठबंधन की गुंजाइश रहेगी मध्य प्रदेश में, भविष्य में हो सकता है सरकार बन के आएगी, सरकार बने तो काहे के लिए हमारा कोई स्वयं इसलिए तो हमारा आपको जैसा मैंने बताया कि हम अच्छे प्रत्याशी आज भी हम चाहें तो अभी पूरे 230 घोषित कर सकते हैं, हमारे पास नाम है, लेकिन हम क्यों घोषित नहीं कर रहे कि हमें अच्छे चरित्रवान अच्छे समाज सेवी के रूप में हमारे एक भी प्रत्याशी ऐसे ना हो जिनके बारे में पत्रकार बंधु से लेकर समाज का कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि आपका ये प्रत्याशी ठीक नहीं है। इसलिए हम पूरी जांच पड़ताल के साथ अपने प्रत्याशी की सूची उतारेंगे। जब हम अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी ही सरकार बनेगी। माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी आएंगे, इसकी भी डेट हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा जिस दिन अंतिम सूची जारी होगी, हमारे माननीय जितने नेतागण आ रहे हैं सबकी डेट की सूची जारी करेंगे। चलो अयोध्या अभियान क्या है? चलो अयोध्या अभियान ये है कि देश के अंदर भगवान जी के बारे में इन्होंने धोखा दिया है और उस धोखे को ठीक करने के लिए शिवसेना मैदान में आई है और माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ही उस पर अपने विषय पर अपनी बात बताएंगे, क्योंकि मैं राष्ट्र का नेता नहीं हूँ, मैं प्रदेश का नेता। मैं थाडेश्वर महावर शिवसेना का राज्य प्रमुख, अभी आज मध्य प्रदेश के 221 विधानसभाओं में 21 सीटों पर आज हम नवरात्र के अवसर पर सूची जारी कर रहे हैं और बाकी की सूची 25 करेंगे। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गठबंधन का हमारा विषय नहीं है और आने वाले समय में समाज सेवा के अच्छे लोग सेवा के लिए दे सकें, उनकी छानबीन में हमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन 25 तारीख को हमारी लगभग प्रत्याशी सूची में जा रही है।